हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स। यानी कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो इस वीडियो में हम समझेंगे। 11 × 13, अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करें। ये दोनों ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो एक के बाद एक आते हैं, यानी 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 ही आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इन दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है, 12, राइट। तो इस नंबर का करिए स्क्वायर और इसमें से 1 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 12 स्क्वायर होता है 144, यानी इसका आंसर आ गया 143, ठीक है। नेक्स्ट 12 × 14, ये दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें, इन दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 13। 13 का स्क्वायर होता है 169, में से 1 को माइनस करिए, 168 इज द आंसर। 15 × 17, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स के बीच में नंबर आएगा 16। 16 का स्क्वायर होता है 256, में से 1 को माइनस करिए, 255 आंसर। 19 × 21, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे करेंगे, इन दो नंबर्स के बीच में नंबर आएगा 20। 20 का स्क्वायर 400, में से 1 को माइनस करिए, 399 आंसर। 39 × 41, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इन दो नंबर्स के बीच में नंबर आएगा 40। 40 का स्क्वायर 1600, में से 1 को माइनस करिए, 1599। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन दो नंबर्स का आंसर क्या होगा।